हेलो स्टूडेंट, दिस वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 5.1 पार्ट 2। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे सॉल्व करेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द क्वेश्चन आर सेइंग, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। कोई एंगल है जो 45 डिग्री से बड़ा है। इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। एक एंगल उन्होंने दे रखा है जो 45 डिग्री से बड़ा है। अब हमें ये बताना है जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, वो क्या होगा। 45 से बड़ा होगा, 45 के बराबर होगा, या 45 से छोटा होगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें समझना है। सपोज जो वो एंगल है उसे हमने एक्स मान लिया है। एक्स क्या गिवन है, 45 से बड़ा गिवन है। अब कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, जो भी एंगल है उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, अगर एक एंगल 45 है उसमें, ठीक है, 90 डिग्री का मीन्स हाफ है 45, तो दूसरा एंगल, सॉरी, एक एंगल 45 से बड़ा है। ये 46, 47, 48, 49, 50, 60, 80, 85, कुछ भी हो सकता है, बट 45 से बड़ा है। तो ये बताइए, जब ये एंगल को 45 से बड़ा है तो दूसरा एंगल क्या होगा। इट इज़ ऑब्वियसली कि सम तो 90 ही आना है, तो दूसरा एंगल जो होगा वो क्या होगा, 45 से छोटा। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, मीन्स जो आंसर होगा वो क्या होगा कि 45 डिग्री से लेस देन होना चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। इन द एडजॉइनिंग फिगर, आप देख सकते हो एक फिगर आपको गिवन है, उसके बाद इन पार्ट्स को आंसर देना है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, सो बात करते हैं पार्ट फर्स्ट। इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एंगल 1 कहाँ है, येरा। अब पूछा है एडजेसेंट होना चाहिए एंगल 2। एडजेसेंट की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या होना चाहिए, एक तो कॉमन वर्टेक्स हो, तभी वो क्या कहते हैं एडजेसेंट होगा। कॉमन आर्म हो तब भी एडजेसेंट होगा। तो अगर मैं एंगल 1 और 2 करके देखती हूँ, तो एंगल 1 इज दिस एंड एंगल 2 इज दिस। अगर एंगल नाम 1 को नाम देते हैं तो ए ओ सी एंगल 1 हो जाएगा और एंगल 2 हो जाएगा सी ओ ई। तो आप इसमें देख सकते हो ओ सी कॉमन है, कॉमन आर्म मिल गई, हमारी प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। इट मीन्स दिस इज अ यस इन इट इज़ यस एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई। नाउ एंगल देखते हैं ए ओ सी, ए ओ सी और एंगल ए ओ ई, हम दोनों एंगल देखते हैं, तो ये बताइए एडजेसेंट है या नहीं। ए ओ सी, ए ओ ई, अब आप देखिए इसमें कोई कॉमन आर्म नहीं आ रही है, ए ओ सी ए ओ ई, सॉरी ए ओ कॉमन आर्म आ रही है, एडजेसेंट पॉइंट आ रहा है, बट दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो जो भी कॉमन आर्म है उसके दोनों साइड अनकॉमन आर्म होनी चाहिए। तो देखिए इसके अनकॉमन कुछ भी नहीं है आर्म और यहाँ पर भी नहीं है, तो इट मीन्स ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। ठीक है, नो दे हैव नो कॉमन आर्म्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। कमेंट हम डाल देंगे, नो दे हैव नो कॉमन आर्म्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। क्लियर, तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल करके देखेंगे, प्रॉपर्टी फुलफिल होती जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम कमेंट करते रहेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। डू एंगल सी ओ ई एंड ई ओ डी फ्रॉम फॉर्म अ लीनियर पेयर। एंगल सी ओ ई, आप देख पा रहे हैं सी ओ ई और एंगल ई ओ डी, ई ओ डी, सी ओ ई
और ई ओ डी। तो अगर आप देखें तो ये एक एंगल बना, उसके बाद ये एक एंगल बना, तो ये क्या लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं? आप देखिए, यस, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन हो गई और ये एक एंगल ये हो गया और ये हो गया, तो यस दिस दे फॉर्म लीनियर पेयर। नाउ नेक्स्ट आर एंगल बी ओ डी, बी ओ डी एंड एंगल डी ओ ए, बी ओ डी और डी ओ ए। अब देखिए ये एंगल बन रहा है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री है या नहीं ये बताना है। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है कि उनका सम क्या हो 180 डिग्री। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों एंगल फिर से लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर हमने क्या बताया था कि एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री। तो इट मीन्स यस दे आर सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इज एंगल वन अप वर्टिकली अपोजिट टू एंगल फोर। एंगल वन देखिए, एंगल फोर देखिए, क्या ये वर्टिकल अपोजिट है? यस, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर दी हैं लाइंस, और ये आप देखिए ये वर्टिकल अपोजिट आ रहे हैं, सॉरी ये आप देखिए इंटरसेक्ट कर दी है लाइन, तो ये लाइन जो है एंगल्स वर्टिकल अपोजिट हैं, तो एंगल वन इज यस वर्टिकल अपोजिट टू एंगल फोर। नाउ व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ फाइव। अब एंगल फाइव हम देखते हैं, अब इसका वर्टिकल अपोजिट क्या होगा, एंगल फाइव ये है तो वर्टिकल अपोजिट ये आएगा, तो एंगल फाइव का वर्टिकल अपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल टू प्लस एंगल थ्री, या फिर हम लिख सकते हैं एंगल फाइव का वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा सी ओ बी। पूरा होगा ना, जब ये एंगल फाइव ए ओ डी है तो वर्टिकल अपोजिट क्या हो जाएगा, सी ओ बी। तो या तो आप एंगल सी ओ बी लिख दीजिए या एंगल टू प्लस एंगल थ्री लिख दीजिए। मैंने एंगल सी ओ बी लिख के दिखाया है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर। एक फिगर आपको गिवन है, इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन कौन से होंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल निकालना बहुत ईजी है, अगर मैं देखूँ तो एंगल वन वर्टिकल अपोजिट है एंगल फोर के, क्लियर, और एंगल फाइव वर्टिकल अपोजिट है एंगल थ्री प्लस एंगल टू, ओके। ये दोनों आपस में वर्टिकल अपोजिट है और ये दोनों आपस में वर्टिकल अपोजिट है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या हो गए, एंगल वन एंड फोर एंड एंगल फाइव एंड एंगल टू प्लस थ्री। नेक्स्ट बताना है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मीन्स जो लीनियर लाइन बनाए, अगर मैं इसको देखती हूँ तो लीनियर पेयर बनना है एंगल वन एंड एंगल फाइव, ठीक है, और अगर मैं ये भी देखती हूँ तो एंगल फोर एंड एंगल फाइव, तो दो लीनियर पेयर आपको मिलते हैं एंगल वन एंड एंगल फाइव एंड एंगल फोर एंड एंगल फाइव, ओके। तो लीनियर पेयर क्या हो गए, एंगल वन एंड एंगल फाइव एंड एंगल फोर एंड एंगल फाइव, ओके, दो पेयर हमें मिले हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन द फॉलोइंग फिगर एंगल वन एडजसेंट टू एंगल टू गिव रीजन। अब इस फिगर में बताना है क्या है एंगल वन जो है वो इसके एडजसेंट एंगल है या नहीं, अगर है तो रीजन बताना है और नहीं है तो रीजन बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, एंगल वन एंड एंगल टू आर नॉट एडजसेंट एंगल बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन। एडजसेंट एंगल होने के लिए उनकी वर्टेक्स कॉमन होनी चाहिए, यहाँ देखिए ये वर्टेक्स है और यहाँ देखिए ये वर्टेक्स है, तो इट इज़ नॉट कॉमन वर्टेक्स, सो इट इज़ नॉट एन एडजसेंट एंगल्स। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई जेड इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको टू पार्ट्स दी गिवन है इस क्वेश्चन में और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, बहुत ईजी है। अभी तक आपने जितने भी रूल सीखे हैं वो सारे रूल इसमें हमें फॉलो करने पड़ेंगे। फिगर मैंने भी ड्रॉ कर रखी है तो देखते हैं कैसे इसे सॉल्व कर पाते हैं। नाउ अब अगर आप ये फिगर देखें तो एक्स और एंगल सॉरी एक्स और 55 दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और हमने क्या बताया था कि दोनों एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल x इक्वल्स टू एंगल 55 और कमेंट डाल देंगे किस वजह से ये इक्वल हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। सो एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई, 55। नाउ एंगल 55 और एंगल y अगर हम देखें तो ये क्या पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री।
तो 55 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, और क्या है, किस वजह से है, ये लीनियर पे है। अब यहाँ से हम y की वैल्यू फाउंड आउट कर लेंगे, y इक्वल्स टू 180 माइनस 55, y इक्वल्स टू 125 डिग्री। ओके, आल्सो y एंगल और z एंगल हम यहाँ देखते हैं, फिगर में देखिए एंगल y और एंगल z अगेन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, तो यहाँ भी हम वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी निकालेंगे, तो जो y की वैल्यू है वही z की वैल्यू हो जाएगी 125 डिग्री, और इसी हिसाब से हमारे सारे एंगल हमें मिल जाते हैं, एंगल x, एंगल y एंड एंगल z। एंगल x 55 डिग्री, एंगल y 125 डिग्री एंड एंगल z 125 डिग्री। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी आपको एक फिगर गिवन है और एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो जेड 40 के इक्वल हो भी होगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, यहाँ इन्होंने ये एंगल दे रखा है जिस हिसाब से मैंने सॉल्व करा है, एंगल 40 प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल 25, ये एक कंप्लीट सॉरी स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, एंगल 40 प्लस एंगल x प्लस एंगल 25 स्ट्रेट एंगल बन रहा है, और स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो इट मीन्स 45 प्लस x प्लस 25 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसके से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी है, 40 प्लस 25 इक्वल्स टू 65 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो x इक्वल्स टू 180 माइनस 65, 65 को इक्वल की दूसरी साइड लेकर आए हैं हम, सो x इक्वल्स टू 115 डिग्री, 115 डिग्री का क्या आ गया x। नाउ अब हम बात करते हैं y की, अगर मैं बात करूँ तो y और z अगेन मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, बट हमारे पास z की वैल्यू है या नहीं है, नहीं है। तो अगर मैं देखती हूँ 40 और y मिलकर भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, देखिए तो 40 और y लेंगे तो 40 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर की वजह से है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 40 तो इक्वल्स टू 140 डिग्री, तो y कितना आ गया यहाँ 140 डिग्री, x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, y की वैल्यू भी आ गई। अब हम बात करते हैं z की वैल्यू के लिए, तो z की वैल्यू के लिए क्या प्रॉपर्टी लगाई है, वही मैं जो बात कर रही थी, y प्लस z क्या हो जाएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर है, तो y प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 140 प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो z इक्वल्स टू 180 माइनस 140 तो z इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब आप देख लिए x, y, z तीनों की वैल्यू आपके पास है, सो x इक्वल्स टू 150 डिग्री, y इक्वल्स टू 140 डिग्री एंड z इक्वल्स टू 40 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये सिंपली फिल इन द ब्लैंक्स हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 13 आपका होमवर्क होता है, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए हम अभी डिस्कस करेंगे। इन दी एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स, आपको एक फिगर दे रखी है उसके बाद इनके नेमिंग करनी है। इन्होंने सबसे पहले पूछा है ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऑब्ट्यूस भी हो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स भी हो, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होंगे जो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, ठीक है। तो जो ग्रेटर देन 90 डिग्री भी होने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए और वर्टिकली अपोजिट भी होने चाहिए, तो यहाँ एंगल आपको क्या दिख रहा है बच्चों, एंगल अगर आप ध्यान से देखो ए ओ डी, ए ओ डी 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, ऑब्ट्यूस हो गया, और एंगल बी ओ सी अगेन 90 डिग्री से बड़ा है, ए ओ डी ये एंगल है और बी ओ सी ये एंगल है, आप देख रहे हो दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं और ऑब्ट्यूस भी हैं, तो आंसर क्या हो गया एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। ओके, नाउ सेकेंड एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमें बताने हैं, जो एडजेसेंट भी हो और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जिनका सम क्या है 90 डिग्री। तो अगर मैं एंगल देखूं ई ओ ए, ई ओ ए ये एंगल एंड एंगल
A O B. अब आप देखिए क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि अगर मैं दोनों को आप देख रहे हो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का बनना है, तो अगर मैं इसमें ये एंगल ऐड करूँगी तो 90 डिग्री बनेगा। और एडजेसेंट क्यों है, कॉमन वर्टेक्स येरी, कॉमन आर्म येरी, और कॉमन आर्म के दोनों साइड नॉन कॉमन आर्म्स येरी। तो इट मीन्स एंगल EOA और एंगल AOB आर एडजेसेंट कॉम्प्ली एंगल्स। नाउ इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल लेने हैं जो इक्वल हैं और सप्लीमेंट्री भी हैं, तो कौन सा एंगल ले सकते हैं हम, EOB 90 डिग्री का है, देन दूसरा एंगल देखते हैं EOD, दोनों 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री के क्या हो जाते हैं 180 डिग्री, तो इट मीन्स इक्वल भी हैं और सप्लीमेंट्री भी हैं, दोनों एंगल क्या हो गए EOB एंड एंगल EOD। नाउ अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स वो दोनों अनइक्वल हुआ पर सम क्या है उनका 180 डिग्री, तो फिर से एंगल देखते हैं कौन सा बैठेगा, हम एंगल EOA, ठीक है। नाउ 90 डिग्री से छोटा है, और एंगल में बात करती हूँ EOC, EOA जितना 90 डिग्री से छोटा है EOE उतना ही 90 डिग्री से बड़ा है, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 180 डिग्री, सो देज आर सप्लीमेंट्री अनइक्वल एंगल्स, ओके EOA एंड EOC, सॉरी। नाउ फिफ्थ पार्ट, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म आ लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल बताने हैं जो लीनियर पेयर ना बनाते हों, सॉरी। नाउ एंगल AOB और एंगल AOE, आप देखो ये हमने पहले भी बात करी थी, एडजेसेंट एंगल है पर लीनियर पेयर नहीं बना रहे, ऐसे देखते हैं तो एक और बन जाएगा AOE एंड EOD, AOE EOD कॉमन हो गई, एक ही वर्टेक्स पे हैं और ये अनकॉमन हो गई, तो AOE और EOD ये भी कैसे हो गए एडजेसेंट एंगल बट नॉट लीनियर। नेक्स्ट है ये तो हो गया EOD और COD, EOD COD, आप देखिए ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन आर्म है और ये नॉन कॉमन आर्म है, तो ये भी कैसे हो गए एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 14 आपका फिनिश हुआ, इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू।